एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ, प्लस टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। ठीक है, तो आज की रीडिंग का टॉपिक है, क्योंकि आप लोगों की इतनी डिमांड थी क्रश की रीडिंग के लिए, तो इसलिए मैं आप लोगों की क्रश की रीडिंग लेके आई हूँ। आपके क्रश की क्या करंट फीलिंग्स हैं, वो क्या ऐसा फील कर रहे हैं, उनकी क्या सच्ची भावनाएं आपके लिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, लाइक कर देना, रीडिंग पसंद आए और कमेंट कर लेना। ओके, और इसे शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स सबके साथ। तो चलिए देखते हैं आपकी क्रश की क्या करंट फीलिंग्स हैं, क्या करंट एनर्जीज हैं आपके लिए, वो क्या कुछ सोच रहे हैं, वो क्या फील कर रहे हैं, उनकी क्या गहरी सच्ची भावनाएं हैं। तो यहां पर है टू ऑफ कप्स का कार्ड। ओ माय गॉड, पहला ही कार्ड इतना पॉजिटिव निकला है। तो मुझे यहां पर दिखता है कि आपके क्रश का या आपका जोडिक साइन, यहां पर मुझे कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस दिखता है। ठीक है, तो मुझे यहां पर दिखता है कि आपके क्रश चाहते हैं आपसे बात करना, कम्युनिकेशन करना। अगर आप लोगों की ऑलरेडी बात होती है वर्क से रिलेटेड, या ये आपके फ्रेंड है, या कहीं ना कहीं आपके बातें होती हैं, तो ये आपको अपने दिल की बात बताना चाहते हैं। ये जो फील करते हैं आपके लिए, ये वो बताना चाहते हैं। मुझे यहां पर दिख रहा है कि जो आपकी क्रश है वो आपसे इमोशनली एक्सचेंज करना चाहते हैं। ये आपके लिए बहुत ज्यादा फील करते हैं गाइस, बहुत ज्यादा। ये ना, इनको ऐसा लगता है कि आप कितने खूबसूरत हो, ये आप ही को देखते रहते हैं। इनकी नजर में आप बहुत खूबसूरत हो। एंजल्स की, डिवाइन की ब्लेसिंग्स इस कनेक्शन में भी मुझे दिखती है। आप भी इनके लिए इक्वली फील करते हो जैसा ये आपके लिए फील करते हैं। तो मुझे यहां पर दिख रहा है आपकी बातें सुनना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अपनी बातें बताना चाहते हैं। अगर आप फ्रेंड जोन में हो इनके साथ, तो इसे रिलेशनशिप में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अगर ऑलरेडी आप खाली दूर दूर से एक दूसरे को देखते हो, दूर दूर से ही देखते हो, इतना कम्युनिकेट नहीं होता है, तो मुझे यहां पर दिख रहा है ये आपको पहले फ्रेंड बनाना चाहते हैं, आपको जानना चाहते हैं, आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्यूरियस मुझे दिखता है ये आपके लिए। ओके, बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं ये आपसे। आप देख रहे हैं ये कैसे इसको देखने में है। तो मुझे ऐसा दिखता है कि ये आप ही को देखते हैं, मतलब इनको आप इतने खूबसूरत लगते हो या अच्छे लगते हो, आपके बराबर खूबसूरत या हैंडसम इनको कोई नहीं लगता है। ऐसी कुछ एनर्जीज मैं आपके क्रश की देख रही हूं। ओके, तो ये यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूवर्स के क्रश की क्या करंट एनर्जीज हैं, क्या करंट फीलिंग्स हैं, बताइए यूनिवर्स। तो यहां पर है द एम्परर का कार्ड। मुझे ये थोड़ा पहले तो एरीज मुझे यहां पर इनका जोडिक साइन हो सकता है, या लियो भी मुझे दिखता है। ठीक है, और मुझे यहां पर दिखता है ये थोड़े स्टबन है, मतलब इजीली अपने दिल की बात नहीं कह पाते हैं, या फिर इंट्रोवर्ट है, नहीं बोल पाते हैं। कहीं ना कहीं मुझे यहां पर ये दिखता है कि अंदर तो इतनी फीलिंग्स हैं इनके, बट ना ये कह नहीं पाते, अंदर ही अंदर घुटते हैं क्योंकि बता नहीं पाते हैं। कुछ ना कुछ इनको ऐसा लगता है कि कुछ इमेज कॉन्शियस भी हो सकते हैं, या तो अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं, या फिर ये कुछ ना कुछ आप दोनों में डिफरेंसेस हैं, ये भी दिखता है। कुछ डिफरेंसेस ऐसे हो सकते हैं, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, एज, कुछ ना कुछ ऐसे डिफरेंसेस, या लैंग्वेज, या सिटी, या आपसे दूर है, कुछ भी हो सकता है। कुछ डिफरेंसेस हैं जिस वजह से ये डरते हैं आपको अपनी दिल की बात बताने में, या कहीं ना कहीं इनको ऐसा भी लगता है कि आप ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड हो, ऐसा भी, या आप हो, या इनको ऐसा लगता है, कुछ ऐसी एनर्जीज मैं देख रही हूं। कह नहीं पाते, दिल में ना जकड़ के रखना, कुछ ऐसी एनर्जी। इंट्रोवर्ट भी हो सकते हैं ये। ओके, बट केयरिंग है, केयरिंग है, बहुत ज्यादा केयरिंग मुझे ये दिखते हैं। ओके, तो यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूवर्स के क्रश की क्या करंट एनर्जीज हैं। द हर्मिट का कार्ड, बट इन्होंने होप नहीं खोई है। ये ना आपके पीछे ट्राई करना चाहते हैं, आपको अपने दिल की बात बताना चाहते हैं,
कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आप स्टार्टिंग करो, मतलब इनको ना क्लैरिटी नहीं है कि आप इनको लाइक करते हो नहीं करते हो, कुछ ऐसा भी मुझे दिखता है। फैब का मंथ, अप्रैल सितंबर, इनका डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, या 2 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर, या आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या कुछ मूलांक हो सकता है, या भाग्यांक हो सकता है, कुछ ना कुछ आपसे इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, तो यहां पर है एस ऑफ बॉन्ड्स। इनकी एनर्जीज में यहां पर देखती हूँ कि हो सकता है आप लोग साथ में वर्क करते हो, या ये आपको देख सकते हैं, कुछ ऐसा भी मुझे दिखता है। मतलब इनकी एनर्जीज है कि जाके बोल दो, बस बोल दो अपनी दिल की बात, बोल दो अपने बता दो कि कैसा मैं फील कर रहा हूं या कर रही हूं, फिर देखा जाएगा, जो भी होगा देखा जाएगा, ऐसा भी ही ये सोचते हैं। दिल में तो बहुत चीजें दिल चलती हैं इनके, पर दिमाग दिमाग इनको रोक लेता है, कुछ ऐसा मैं देख रही हूं। तो यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूवर्स के क्रश की और क्या करंट एनर्जीज हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओ माय गॉड, यस, कुछ ना कुछ आपका इनके साथ फॉर्च्यून दिखता है, यानी कि आपका इनके साथ कनेक्शन लॉन्ग टर्म दिखता है। मुझे यहां पर दिखता है कि आपका और इनका डेफिनेटली मिलन होगा, डेफिनेटली आप दोनों का ये सिचुएशनशिप रिलेशनशिप में कन्वर्ट होगा। ओके, ये चीजें भी मुझे दिखती हैं। गुड गुड न्यूज मिलेगी इनको आपकी तरफ से, सडनली आपको अप्रोच करेंगे, ऐसा भी कुछ दिखता है। यूनिवर्स बताइए, अप्रोच करना चाहते हैं आपको, प्रे कर रहे हैं, आपको मांग रहे हैं। ओके, गॉड से मांग रहे हैं कि कैसे गॉड मुझे ये दिला दे मुझे ये दिला दे, मतलब ऐसी एनर्जीज मैं देख रही हूं। प्रे करते, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके लिए, आपके बिना ये, मतलब रातों को भी ये ना आप ही के बारे में सोचते हैं, इनको नींद भी अच्छे से नहीं आती है। गाइस, 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। ओके, यस, मुझे यहां पर ये एनर्जीज दिख रही है। यूनिवर्स बताइए, सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, जैसे मैंने बोला था, एरीज लियो सैजिटेरियस जिमिनाई लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जीज यहां पर मुझे बहुत दिखती है। ओके, तो मुझे यहां पर दिखता है कि ये आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, कुछ अपनी ऐसी निशानी देना चाहते हैं ताकि आप ये याद रखो इन्हें। आप इनकी नजर में बहुत खूबसूरत हो, ये आपको बहुत खूबसूरत मानते हैं, आपकी कोई भी एज हो डजेंट मैटर, बट इनकी नजर में आप बहुत खूबसूरत हो, मतलब एक कनेक्शन आपसे फील करते हैं, ये अच्छा सा फील करते हैं, ये आपके साथ ग्रोथ देखते हैं, ये डेट करना चाहते हैं आपको, कुछ ऐसी एनर्जीज भी मैं देख रही हूं। ये चाहते हैं कि आपको इनकी अटेंशन, आप इन्हें अटेंशन दो, कुछ ऐसा भी मैं यहां पर देख रही हूं। तो यूनिवर्स बताइए और क्या एनर्जीज है मेरे व्यूवर्स के क्रश की। नाइट ऑफ कप्स, यस, आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, इसको रिलेशनशिप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जैसे मैं देख रही हूं। मुझे ना ये नॉर्मल हाइट के दिखते हैं, बहुत बहुत ज्यादा लंबे भी नहीं, यहाँ मतलब जैसे 5'9" 10", अगर आप व्यूवर्स मेरी गर्ल्स हैं, ठीक है, मैं उनके लिए बता रही हूँ, 5'10" 9" हो सकता है, और एवरेज लुक दिखते हैं कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए साथ मुझे दिखता है ये अच्छे दिखते होंगे, और कुछ लोगों के साथ आपके एज के बराबर ही होंगे, और कुछ लोगों के साथ मुझे दिखता है कि ये थोड़ा बड़े होंगे एज में आपसे, एज डिफरेंस होगा यहाँ पर डेफिनेटली, बड़ा ही छोटे कुछ भी हो सकता है। ओके, अच्छे दिखते होंगे, एक अच्छी मतलब इनकी क्वालिटी मुझे यहां पर दिखता है, क्वालिटी इनमें होगी बहुत ज्यादा। कप ऑफ लव देना चाहते हैं आपको, प्रपोज करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, किंग ऑफ सोट्स का कार्ड है यहां पर, सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं ये गाइस, मुझे दिखता है ये थोड़े समझदार चालाक भी मुझे दिखते हैं, समझ कर चलते हैं, ऐसे नहीं, मतलब समझदार लगते हैं ये मुझे, बेसिकली इनकी कोई भी एज हो ये समझदार है। ओके, तो चलिए
अब थोड़ा कैंडल वैक्स के थ्रू देख लेते हैं क्या कुछ एनर्जीज निकल के आती है, क्योंकि किसी ने मुझसे कहा था कि मैम कैंडल वैक्स रीडिंग करो क्रश की रीडिंग पर, तो इसलिए मैं कैंडल वैक्स रीडिंग भी लेके आई हूँ। तो गाइस आपको अपने क्रश का नाम लेना है अगर आप जानते हो, नहीं भी जानते हो उनका नाम क्या है तो आप उनका फेस विजुलाइज कर सकते हो। ओके, फोकस करिए अपने क्रश के ऊपर। तो चलिए देखते हैं, यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूवर्स के क्रश की क्या कुछ एनर्जीज हैं, क्या करंट फीलिंग्स हैं, क्या सोचते हैं वो मेरे व्यूवर्स के बारे में, बताइए यूनिवर्स। अभी तो मुझे ऐसा दिखता है कि ये आपसे दूर है, क्योंकि एक ड्रॉप यहां एक ड्रॉप यहां पर गिरी है। हो सकता है आप कभी कभी इनको देख पाते हो या मिल पाते हो, जॉब की वजह से हो सकता है, या फिर आप कलीग हो, या फिर आप के आसपास ही रहते हैं, मतलब उतना फ्रिक्वेंसी से आप इन्हें नहीं देख पाते हो, या फिर हो सकता है कि सोशल मीडिया के थ्रू आप इनसे मिले हो। बट इनकी एनर्जीज आप सारी वैक्स देख रहे हैं कि लास्ट में पहुंच जा रही है, आप देख रहे हैं। तो मुझे ऐसा दिखता है कि इनकी एनर्जीज है आपकी तरफ आना, आपके पास आना, भागकर दौड़कर, कुछ ऐसी एनर्जीज मैं देख रही हूँ। आपके लिए काफी इमोशनल भी ये फील करते हैं, हालांकि कभी कनेक्शन में नहीं हो, रिलेशनशिप में नहीं हो, बट स्टिल मुझे एक सॉफ्ट कॉर्नर इनका आपके लिए या आपका इनके लिए है, दोनों का आपस में मुझे दिखता है। आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो गाइस, यानी कि जैसा आप सोचते हो ना इनके लिए वैसा ही आपके क्रश भी सोचते हैं आपके लिए। दोनों की फीलिंग्स सेम मुझे यहां पर दिख रही है, आप दोनों की फीलिंग्स, आप भी इनको देख के खुश होते हो और ये भी आपको देख के खुश होते हैं, आप भी इनकी कंपनी एंजॉय करते हो और ये भी आपकी कंपनी एंजॉय करते हैं, कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है। मतलब इनको आपके साथ अच्छा लगता है, कुछ ऐसा मैं देख रही हूँ, एक अट्रैक्शन फील करते हैं, इनको ऐसा लगता है कि यार कितनी खूबसूरत है या फिर कितना हैंडसम है ये, कुछ ऐसा। इनकी नजरों में आपकी कोई भी एज हो या आप कैसे भी लगते हो, इनकी नजर में आप बहुत खूबसूरत मुझे दिखते हो। बट हाँ थोड़ा है कि नहीं बता पाते हैं अपनी फीलिंग्स, डेफिनेटली नहीं बता देते हैं, नहीं बता पाते हैं। यहाँ पर थोड़े इनके ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। मुझे यहाँ पर इनका थ्रोट चक्रा, यानी कि थ्रोट चक्रा इतना थोड़ा ब्लॉक दिखता है, यानी कि मुझे यहाँ पर दिखता है कि खुलकर अपनी बात नहीं कह पाते हैं, बता नहीं पाते हैं, कुछ ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखता है। हो सकता है कुछ लोगों के जो क्रश हैं उनके साथ ऐसा हो, समझ नहीं आता इनको कि कैसे बताया जाए, कैसे कन्फेस किया जाए, कुछ ऐसी एनर्जीज मैं यहां पर देख रही हूं। इमोशनली एक्सचेंज, आपसे ना बातें शेयर करना, रिलेशनशिप में आना, कुछ ऐसा, क्योंकि एक स्ट्रांग अट्रैक्शन है यहां पर, बहुत स्ट्रांग। अगर ये ऑलरेडी किसी के साथ कनेक्टेड है, रिलेशनशिप में है, तो भी ये आपकी तरफ एक अलग ही स्ट्रांग कनेक्शन फील करते हैं। इन्हें भी समझ में नहीं आता ऐसा क्यों होता है, बट हाँ स्टिल ये करते हैं। मुझे ऐसा दिखता है यहां पर कि डिवाइन भी चाहती है, यानी कि यूनिवर्स भी चाहते हैं कि ये आपके पास आए, आप दोनों का कोई स्ट्रांग कनेक्शन बने, कुछ ऐसा भी मैं यहां पर देख रही हूं। यस, आपके बारे में इस समय भी ये आपको बहुत याद करते हैं, आपके बारे में ही सोचते हैं। अभी जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तब ये आपसे रेजोनेट होगी गाइस, तो मुझे यहां पर दिखता है इस टाइम भी ये आपके बारे में ही सोच रहे हैं, आप ही को याद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से आपको स्टॉक कर रहे हैं, या तो सामने से देख पा रहे हैं या फिर इनके पास आपकी फोटो है, या कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो आप दोनों को कनेक्ट करता है, कुछ ऐसा मैं यहां पर देख रही हूं, या आपकी इनसे बात होती है, चैट होती है, या कुछ ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ। आपका वेट करते रहते हैं, आपकी पिक्स का, आपका कुछ ऐसी एनर्जीज भी मैं यहां पर पिक कर रही हूं। ओके, तो यस ये थी गाइस आज आप लोगों की रीडिंग।
आपकी क्रश की, क्योंकि आप लोग कह रहे थे, बहुत लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे क्रश की के ऊपर रीडिंग लाने के लिए, तो मैं ले आई आप लोगों के लिए। ठीक है, लोगों की रीडिंग रीडिंग पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हाँ मैं क्रश के ऊपर भी लेके आऊंगी रीडिंग, ऐसा नहीं है कि नहीं लाऊंगी, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको मिलेगी। आप लोग देख सकते हो, अगर पर्सन लिखा है तो जरूरी नहीं है कि एनर्जी आपके साथ भी कनेक्ट करेगी। ठीक है, आप अपने क्रश के लिए भी देख सकते हो उस रीडिंग को, ऐसा कोई वो नहीं है कि पर्टिकुलर क्रश का नाम लिखा है तो आप क्रश के लिए ही देखें। ओके, तो ये थी रीडिंग, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और कमेंट कर देना, इसे शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।